आज हम देखेंगे दशमलव संख्याओं के गुणन से संबंधित मिथ्या धारणाएं और साधारण गलती। मिथ्या धारणा एक, दूध वाले ने 55.5 रुपए प्रति लीटर के दर से 11.5 लीटर दूध बेचा। पता कीजिए दूध वाले को कितनी धनराशि प्राप्त हुई होगी। दूध वाले ने 55.5 रुपए प्रति लीटर की दर से 11.5 लीटर दूध बेचा, उसे कितनी धनराशि प्राप्त हुई होगी, यह पता करने के लिए हमें 11.5 गुना 55.5 रुपए का परिणाम ज्ञात करना होगा। परिणाम ज्ञात करने के लिए पहले हम इनका दशमलव बिंदु नजरअंदाज कर गुणा करेंगे, इससे हमें परिणाम प्राप्त होगा 63,825। फिर हम देखते हैं कि 11.5 में दशमलव बिंदु के दाई ओर एक अंक है और 55.5 में दशमलव बिंदु के दाई ओर एक अंक है, यानी कि गुणा की जाने वाली संख्याओं में दशमलव बिंदु के दाई ओर कुल दो अंक है, इसलिए हम परिणाम में सबसे दाई तरफ से दो अंक छोड़कर दशमलव बिंदु व्यक्त करेंगे, इससे हमें सही परिणाम प्राप्त होगा 638.25, यानी कि ऑप्शन एक सही है। कुछ बच्चे दशमलव बिंदु को रखते समय दाई से अंक ना गिनकर बाई से गिनते हैं, इससे उन्हें परिणाम प्राप्त होता है 63.825, जो कि 11.5 गुना 55.5 रुपए का गलत हल है, इसलिए ऑप्शन दो गलत जवाब है। कुछ बच्चे यह समझते हैं कि दशमलव संख्या के गुणन को हल करने के लिए गुणा की जाने वाली संख्याओं के पूर्ण भागों का और पूर्ण से कम भागों का गुणा अलग अलग किया जा सकता है। जैसे 11.5 गुना 55.5 रुपए को हल करने के लिए 11 और 55 का गुणा किया जा सकता है और 0.5 और 0.5 का गुणा किया जा सकता है। पूर्ण भागों के गुणन का परिणाम प्राप्त होगा 565 और पूर्ण से कम भागों का गुणनफल प्राप्त होगा 0.25। फिर दोनों को जोड़ दिया जाता है और परिणाम प्राप्त किया जाता है 565.25। यह भी एक गलत धारणा है, इससे ऑप्शन तीन यह गलत जवाब दिया जाता है। ध्यान रहे इस प्रकार गुणा करना गलत है। मिथ्या धारणा दो, एक दिन शिक्षक ने बच्चों से सवाल पूछा, क्या दो संख्याओं का गुणनफल हमेशा एक बड़ी संख्या होती है। इस पर अमित ने जवाब दिया हाँ और निशा ने जवाब दिया नहीं, तो बताइए कौन सही है। कई बार बच्चों की यह धारणा होती है कि दो संख्याओं का गुणनफल हमेशा एक बड़ी संख्या होती है। अगर उन्हें इसे सत्यापित करने के लिए कहा जाए तो वे दो पूर्ण संख्याओं के गुणन का उदाहरण देते हैं, जैसे 7 × 10 = 70, 10 × 10 = 100, 5 × 7 = 35 इत्यादि, और बताते हैं कि इन सभी का परिणाम दोनों संख्याओं से बड़ी संख्या है। लेकिन यह एक गलत समझ है। पूर्ण संख्याओं का गुणनफल जरूर एक बड़ी संख्या होती है, लेकिन क्या दशमलव संख्याओं का गुणा करने पर प्राप्त परिणाम भी एक बड़ी संख्या होती है? विचार करें। अब आपको जरूर समझ आया होगा कि दशमलव संख्याओं का गुणा करने पर हमेशा एक बड़ी संख्या नहीं प्राप्त होती। जैसे 0.2 × 0.4 = 0.08 के, जो कि एक छोटी संख्या है। इसलिए सही समझ यह है कि दो संख्याओं का गुणनफल हमेशा एक बड़ी संख्या नहीं होती। यहाँ कुछ उदाहरण दिए हैं जिससे आप समझ सकते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल एक बड़ी संख्या भी हो सकती है और एक छोटी संख्या भी हो सकती है। जैसे 1.2 × 2.4 = 2.88, यहाँ 2.88 दोनों संख्याओं से बड़ी है। 0.12 × 2.4 = 0.288, यहाँ 0.288 0.12 से बड़ी है लेकिन 2.4 से छोटी है। 0.12 × 0.24 = 0.0288, यहाँ 0.0288 दोनों संख्याओं से छोटी है। इन मिथ्या धारणाओं के साथ अक्सर एक साधारण गलती भी की जाती है। दशमलव संख्याओं का योग या व्यवकलन करते समय जैसे दशमलव बिंदु को नीचे लिया जाता है, ठीक वैसे ही गुणन करते समय भी दशमलव बिंदु को नीचे लिया जाता है, यानी कि बच्चे दशमलव स्थानों की गिनती नहीं करते, इससे गलत परिणाम प्राप्त होता है। सही समझ यह है कि
गुणा की जाने वाली दशमलव संख्याओं के दशमलव बिंदु के बाद के अंकों की गिनती की जाती है और गुणा की जाने वाली संख्याओं में दशमलव बिंदु के बाद कुल कितने अंक है यह पता किया जाता है। फिर परिणाम में दशमलव बिंदु रखते समय दाएं से उतने ही अंक गिनकर दशमलव बिंदु व्यक्त किया जाता है। तो आज हमने देखी दशमलव संख्याओं के गुणन से संबंधित मिथ्या धारणाएं और साधारण गलती।